क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना होगा, इसको उधर भेज दो, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर में, ये माइनस का हो जाएगा, रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। मैं इस डी वाई को, ये जो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर है, इसको इधर लाता हूँ और एक्स वाले को उधर देता हूँ, डी वाई बटा रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का डी एक्स बटा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप कुछ नहीं तो वन का स्क्वायर तो दे सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी वाई बटा रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लॉग वाई प्लस रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, और इधर देखो माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर वन का स्क्वायर है वन और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में लॉग सी। मैं इसको इधर लाता हूं तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आएगा तो मैं डायरेक्ट इंटू भी नहीं लिख सकता, वो लॉग क्या हो जाएगा यहां से y प्लस रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आके प्लस में हुआ तो लॉग में तो इंटू में आ जाएगा, इंटू वन सॉरी एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर में है लॉग सी, लॉग से लॉग हटा दो, y प्लस रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर में सी, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर